बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने ये सीखा था कि हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उसका सेंटेक्स क्या है और वो क्यों यूज़ होता है। आज हम इस वीडियो में एक एप्लीकेशन, एक एग्जांपल से सीखेंगे कि हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट को क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ पर, मतलब कि उसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है। इफ़ एल्स स्टेटमेंट में हम आपको बताते चलें कि अगर हम इवन और ऑड को फाइंड करने का प्रोग्राम बनाते हैं कि ये नंबर इवन है या ऑड है, हमें प्रोग्राम के थ्रू बताया जाए, तो वो हम इफ एल्स स्टेटमेंट में कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाना चाहते हैं उसका सिंटेक्स लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाना चाहते हैं कि हेडर फाइल यूज़ करेंगे इंक्लूड stdio.h। उसके बाद हम मेन फंक्शन को स्टार्ट करेंगे और मेन फंक्शन के अंदर हम उस प्रोग्राम की बॉडी को लिखेंगे। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करवाएंगे जिसमें हम बताएंगे कि जो num वेरिएबल है, num नाम का वेरिएबल है, वो एक इंटीजर है। तो अब यहाँ पर हमने सिर्फ वेरिएबल को डिक्लेयर किया है कि num वेरिएबल है, उसमें कोई भी वैल्यू हो सकती है, मतलब कि हम प्रोग्राम के थ्रू भी उसको दे सकते हैं। अगर हम प्रोग्राम के थ्रू देना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल num इज इक्वल्स टू 5, तो ये हमें प्रोग्राम बताएगा कि जो 5 है, पर्टिकुलर 5, ऑड है या इवन है। पर हम चाहते हैं कि हम इसमें कोई भी नंबर यूज़ करें जो कि यूज़र हमें बताए कि ये नंबर है और ये प्रोग्राम उसी टाइम उसी नंबर का ऑड या इवन मालूम करके दिखाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रिंटएफ के थ्रू हम एक मैसेज देते हैं यूज़र को कि इंटर एनी नंबर, और उसको सेमीकॉलन से टर्मिनेट करते हैं। उसके बाद हम एक स्कैनएफ फंक्शन यूज़ करते हैं जिसमें हम वो इंटीजर है उसमें नंबर इनपुट करवाते हैं यूज़र से, जिसके लिए हम परसेंटेज डी लगाते हैं इंटीजर के लिए, और एम परसेंट जो यहाँ पर हमने लगाया है वो एम परसेंट वेरिएबल है, उसकी एड्रेस कहाँ पर है ये बताता है, ताकि जो यूज़र है जो भी नंबर टाइप करे वो उस एड्रेस में जाकर फिक्स हो जाए, स्टोर हो जाए। और परसेंट डी का ये मतलब है कि वो जो नंबर है वो इंटीजर के फॉर्म में होगा। उसके बाद अब हम रियल प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम ये सिंटैक्स लिखेंगे कि इफ़ ब्रैकेट्स के अंदर num परसेंट टू इज इक्वल्स टू 0। अब सबसे पहले ये सीख लेते हैं कि इसकी मीनिंग क्या होती है। इफ तो वो होता है, सिंटैक्स है, इफ एल्स का सिंटैक्स है, जो कि हम जानते हैं कि कब हम यूज़ करते हैं। उसके लिए डिटेल से अगर आप सीखना चाहते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट को, तो आप आई बटन में लिंक है वीडियो का, उसको भी देख सकते हैं। पर यहाँ पर हम अगर सिंपल देखें तो इफ मतलब कि अगर इफ वाली कंडीशन ट्रू है तो उसके नीचे वाली चीज़ डिस्प्ले होगी, अगर इफ वाली कंडीशन ट्रू नहीं है तो उसके बाद वाली चीज़ डिस्प्ले होगी। तो इफ के ब्रैकेट्स के अंदर हमने लिखा है num। num ये वही वेरिएबल है जो कि हमने पहले डिक्लेयर किया, ये वही वेरिएबल है जिसमें यूजर ने कुछ इनपुट दिया, कोई नंबर, ऑब्वियसली वो इंटीजर है। और परसेंट का मतलब ये होता है कि हम उसको जब डिवाइड करते हैं उसके बाद उसका जो रिमाइंडर बचता है वो, मतलब कि अगर आप परसेंट टू कर रहे हैं तो आपको किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करना है और उसका जो रिमाइंडर बचेगा वो हमें यहाँ पर आंसर दे देगा। मतलब कि डिवीजन में तो हमें उसका आंसर मिल जाता है, पर यहाँ पर हमें रिमाइंडर मिलेगा। कंडीशन ये दे गई है कि वो जो रिमाइंडर आना चाहिए वो 0 की इक्वल आना चाहिए, और यहाँ पर हमने 2 इक्वल्स लगाए हैं, इक्वल्स टू अगर हम 1 लगाते हैं तो उसका मतलब ये था कि हम इसको वैल्यू असाइन कर रहे हैं, पर अगर हम 2 लगाते हैं तो इसका मतलब ये है कि एग्जैक्टली इक्वल हो 0 के, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है, किसी भी नंबर को हम डिवाइड करें 2 से और हमारा रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है, तो प्रोग्राम को ये इंस्ट्रक्शंस दी जाती है कि आप इवन डिस्प्ले करो, या यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि नंबर्स इवन, पर हमने सिंपली इवन को डिस्प्ले करवाया है। उसके बाद हम लिखेंगे एल्स, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, एल्स का मतलब है कि जो इफ वाली कंडीशन है अगर फॉल्स हो जाती है तो डिस्प्ले कर दो ओड। जाहिर बात है अगर वो इवन नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो ओड होगा। तो इस तरीके से हमारा प्रोग्राम कंप्लीट होता है। यहाँ पर हम रिटर्न 0 लगा देते हैं और अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। सबसे पहले हम इसको सेव करेंगे इवन ओड डॉट सी, मतलब अगर ये प्रोग्राम सी का है तो हमें डॉट सी देना होगा, नाम तो कोई भी दे सकते हैं ऑब्वियसली। अब यहाँ पर एग्जीक्यूट में कंपाइल एंड रन, इसमें कोई भी एरर नहीं है तो ये इजीली कंपाइल हो जाएगा। अब हमारे पास ये आता है इंटर एनी नंबर, अब हम यहाँ पर कोई भी इंटीजर दे सकते हैं जैसे कि 9, तो इसने हमें बताया कि 9 जो है वो ओड है, क्योंकि अगर हम मैथमेटिकली भी देखें
9 को जब हम डिवाइड करते हैं, 5 ही आती है, उसका जो रिमाइंडर आता है वो 0 नहीं आता, ऑब्वियसली वो 1 आता है। तो उस स्पेस पे हमने यहाँ पर जो है एल्गोरिथम लगाया। तो अब ये जो है इसने हमें बता दिया कि ये ओड है, क्योंकि 9 का जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आता, तो ये ओड को प्रिंट करेगा। अगर 9 का रिमाइंडर फॉर एग्जांपल यहाँ पर 8 होता और उसका ऑब्वियसली रिमाइंडर 0 आता, तो यहाँ पर ये इवन प्रिंट करता। अब हम यहाँ पर कोई इवन नंबर जैसे कि 8 है वो लगाते हैं, तो ये यहाँ पर प्रिंट करेगा इवन। इस तरीके से हम कोई भी नंबर इंटीजर उसको इनपुट देंगे और वो हमें बताएगा कि वो नंबर जो है या तो इवन है या तो ओड है।